बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त ज़ुल्करनैन। आप देख रहे हैं जी अपना यूट्यूब चैनल जुल्फी वीलॉग्स। तो आज का वीलॉग हम स्टार्ट करते हैं जी। ये देखें, मैं इधर अमीरपुर मंगन चकवाल से आगे एक गांव है जी, वहां पे मौजूद हूँ। यहां पे एक दरबार है बीबी पाक माइया सैन भी इसे कहते हैं। ये देखें, इसके आस पास खेत हैं, उधर भी देखें खेत हैं। इस तरफ ये दूर दूर तक ये आप देखें खेत ही खेत हैं, ये देखें। और ये इधर दरबार है जी, ये आप देखें ऊपर आलम लगा हुआ है। और इस तरफ ये मस्जिद है, ये आप देखें माशाल्लाह। और वो उस तरफ गुसलखाने बने हुए हैं। और ये आप दूर दूर तक देखें खेत हैं। और ये दरमियान में इधर दरबार है, इधर अंदर मर्दों की इजाज़त नहीं है जी। ये दरबार ज़िला चकवाल से आगे 18 किलोमीटर तकरीबन आगे गांव है अमीरपुर मंगन। ये दरबार वहाँ पे वाक़ है जी, और वो ही रोड सीधा आगे कोटले कल्याल, और वहाँ से होती हुई आगे मलयाल मुगला जाती है। इस दरबार की हिस्ट्री कुछ यूँ है कि ये दो पाक बीबियाँ थीं जो कि जंगल में बकरियाँ चरा रही थी, और अंग्रेज़ दौर था, कुछ लोग जो इन्होंने देखा कि कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक हमारी इज़्ज़त की हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह ताला ने ज़मीन खोल दी, ज़मीन फट गई, और ये दोनों बीबियाँ पाक बीबियाँ ज़मीन में ज़िंदा दफन हो गई। कुछ शहादत ये भी है कि कुछ चरवाए जो बकरियां चरा रहे थे उन्होंने ये सारा वाकया होते हुए देखा, जिसकी वजह से उन्हें पता चला कि ये सारा ऐसे वाकया है। और फिर बाद में यहाँ पे अमीरपुर मंगन गांव में वहाँ इनका दरबार बना दिया गया था। और इस दरबार के बारे में ये भी मशहूर है कि अगर किसी की आंखें ख़राब हों किसी भी वजह से, तो वो 40 अतवार या 40 जुम्मे यहाँ पे सलाम करते हैं, उनकी आंखें अल्लाह ताला के हुक्म से ठीक हो जाती हैं। और फिर बाद में वो यहाँ पे चांदी की आंख भी देते हैं। ये जी इस दरबार की हिस्ट्री थी। तो ये हमारा व्लॉग था जी। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।